वही 35,000 बदल करके 42,000 रुपए हो जाते हैं, मंथली है। और आपको करना क्या है, आपको करना केवल अपनी पढ़ाई है। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको 35,000 या 42,000 रुपए 5 साल तक मिल जाए तो एक तो संतुष्टि इस बात की हो जाएगी कि आर्थिक संतुष्टि हो जाएगी, पैसे की हेडक नहीं रहेगी, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, दिमाग की बत्ती अपने आप जलेगी। जब दिमाग की बत्ती जलेगी तो अपना काम खुद से करना शुरू करेगी। और एक सबसे अच्छी बात बता दू, एक प्रदीप जी बैठे हैं, ये एक नहीं दो दो बार जा रहा है, एक बार जो ओबीसी कैटेगरी का जा रहा होता है वो दूसरे बार अलग से, और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस समय इनरोल भी है पीएचडी। इस बार आप आज जाके यूजीसी के नेट के साइट पे, एनटीए नेट के साइट पे देखिएगा, 25,00,000 रुपए पढ़ा करके 29,00,000 रुपए कर दिए गए। अब जेआरएफ को 35,000 की जगह 42,000 रुपए मिलेगा और एसआरएफ को 42,000 की जगह 47,000 या 48,000 रुपए मिलेगा मंथली। और एक चीज, आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे के किराए का अगर बिल मिले, आप जो कॉपी किताब खरीदते हैं उस कॉपी किताब का अगर बिल मिले, आप जो फोटो स्टेट कराते हैं किसी भी चीज का उसका बिल मिले, वो बिल लेकर के आपको कंटीजेंसी भी मिलती है। ये इसके अलावा है, कंटीजेंसी साल में एक बार मिलती है, मतलब जेआरएफ को 30,000 रुपए, एसआरएफ को 40,000 रुपए कॉपी किताब फोटो स्टेट खरीदने का हर साल मिलता है। अगर आप ये टोटल पैसे कैलकुलेट कर लें तो ये पैसे आज की डेट पे, अगर हम बढ़े हुए पैसे की भी बात ना करें, तो लगभग 25,00,000 रुपए एक एक व्यक्ति को मिलते हैं, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और अगर बढ़ गया तो 29,00,000 रुपए मिलते हैं। एक दूसरी चीज मैंने आपके आपको कहा था, बेरोजगारी की सालम में आज पहली हमारी प्राथमिकता ये होती है कि हम किस तरीके से पैसे कमाना शुरू, पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, दिमाग की बत्ती जलना शुरू हो जाती है। आप अगर जेआरएफ हो जाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग नेट, जैसे मोदी जी संस्कृत वाली हैं, नेट है, दोनों बहने नेट है ऑलरेडी। कल मेरे पास आई, मैंने उनको ये कहा कि आप नेट है फिर भी फाड़ डालेंगे, उन्होंने कहा हाँ फिर भी फाड़ डालेंगे। मैंने पूछा क्यों फाड़ डालेंगे, उन्होंने कहा जेआरएफ होने के लिए फाड़ डालेंगे। क्यों जेआरएफ होना चाहते हैं, जेआरएफ होना क्यों चाहते हैं, जेआरएफ इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि जेआरएफ होने के बाद जो हमें पैसे मिलेंगे उससे हमारी आर्थिक स्थितियां क्या होंगी मजबूत। और आर्थिक स्थितियों में ये बताइए, अगर आपको 5 साल तक घर बैठे 35,000, 40,000, 47,000 रुपए मिलते जाए, तो आप केवल एक सूत्री कार्यक्रम, ये होगा कि एक सूत्री कार्यक्रम में आप केवल पढ़ाई करेंगे, पैसे की फिक्र है नहीं, हर महीने मिल ही जाएंगे। तो आप सब एक चीज है, कितने लोगों ने आपने से कभी भी नेट का एग्जाम कभी नहीं दिया, कभी जिन्होंने नहीं दिया, और जिन्होंने नहीं दिया है वो लोग एक चीज मेरी बात याद रखिएगा, आप अगर हिंदी पढ़ते हैं पीजीटी तो मुझे एक चीज बताइए, क्या नेट हिंदी का सिलेबस पीजीटी पीजीटी हिंदी सिलेबस से बिल्कुल अलग है क्या? जो पीजीटी में पढ़ रहे हैं वही आपको नेट में भी पढ़ना है, जो पीजीटी में पढ़ रहे हैं वही नेट में भी पढ़ना है, पर नेट का दायरा थोड़ा सा विस्तारित हो जाता है। अगर आप होम साइंस के विद्यार्थी हैं, जो आप पीजीटी पढ़ रहे हैं, पीजीटी पढ़ रहे हैं, एलटी पढ़ रहे हैं, जीआईसी पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट कुछ भी अलग नहीं होता, बस थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है। अगर आप नेट की तैयारी के कैपेबल हो गए ना, तो आपका पीजीटी पीजीटी आसानी से कैरी ऑन होगा ही होगा, इसके लिए कोई भी बियॉन्ड ऑफ लिमिट नहीं होगा। मेरा बताने का केवल यहाँ आपको तात्पर्य ये है कि आप सब अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। दिमाग की बत्ती जलाने का तात्पर्य यह है, देखिए मैं कोचिंग वाला, मुझे आप कहोगे ये डायरेक्टर है, इनका काम ही ये है, इनकी ये बताना, समझाना, पढ़ाना, फीस देने का वगैरह वगैरह, बिल्कुल जायज है, आपकी बात बिल्कुल जस्टिफाई। लेकिन एक चीज मुझे ये बताइए, अगर आप ही जेआरएफ हो गए तो मेरी यही बातें आपके लिए सच साबित हो, और फिर उस दिन आप मुझे ये बताओगे या ये कहोगे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे थे, अब मैं जेआरएफ हो गया हूँ, अपने ऊपर अपने पैर पे खड़ा हो गया हूँ, अब मैं अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ, लिख चीज। अगर दूसरा पक्ष देखें, आप एक निबंध पढ़ते हैं, विज्ञान अविष्कार या वरदान, विज्ञान ने दोनों काम किए, विज्ञान ने वरदान भी साबित किया, स्लाइड फैन इस माइक के थ्रू, लेकिन विज्ञान का अविष्कार है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू। हर सिक्के के दो पहलू हैं, अभी तो मैंने आपको नेट जेआरएफ का फायदा कराया, अब बुराई सुन लीजिए नेट जेआरएफ,
यह जीआरएफ की बुराई यह है कि अगर आप जीआरएफ हो गए तो जीआरएफ को स्लो पॉइजन कहते हैं, मीठा जहर कहते हैं। एकदम आकार कर सकते हैं, जीआरएफ को मीठा जहर कहते हैं। क्यों? उसका रीजन जाने। जीआरएफ जिनको मिलना शुरू हो जाता है ना, वो लोग पैसे के आदती हो जाते हैं। भाई हर महीने अकाउंट में, हर महीने नहीं आते, ये भी बता दो, तीन तीन महीने चार चार महीने में आते ही इकट्ठा, लेकिन तीन महीने में चार महीने में बोलिए पासवर्ड, और दोनों में से नौ हटा दीजिए, बोले नौ में से छह गया तीन और नौ में से दो गया सात, पासवर्ड चाहिए। ये चीज हमें सिखाते हैं। पैटर्न के अनुसार अगर हम बात करें ना, तो नेट का पैटर्न धीमे 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 बदलता चला जा रहा। अब वो मैथ नहीं रही जो मैथ पहले, जब मैं पढ़ाने आया था 2018 की बात हम बता रहे हैं, तब मुझे टीआई के क्वेश्चन सॉल्व कराने में बड़ा आसान लगता था। मैं किसी भी डिग्री को ले लेता था, मैंने कहा बस पांच क्वेश्चन पांच मिनट में हो जाते, पांच मिनट छोड़िए दो मिनट में सॉल्व होता था, डेढ़ मिनट में सॉल्व होता था। आज हमें खुद सॉल्व करने में चार मिनट लग जा रहे हैं, क्योंकि आपको समझाने में समय जा रहा है। और वही चीज आपको यहां समझ रहे, वही चीज क्लास में समझ रही। इसीलिए कह रहे हैं कि पैटर्न के अनुसार बदलने का प्रयास करिए, अन्यथा आने वाले दिनों में डीआई का पैटर्न डीआई नहीं रहेगा, डबल डबल नहीं ट्रिपल ट्रिपल डीआई आने। आप देखते हैं किसी के सेट में डबल डबल डीआई आई है? कोई ऐसा है कि जिस कोई देखा हो डबल डबल डीआई को? यहां सिग्नल तो हो नहीं पा रहा, डबल डबल डीआई एक साथ आती है, वो भी स्क्रीन पर। सोचिए कि स्क्रीन पर कैसे सॉल्व करें हम? स्क्रीन को देखते हैं और देखने के बाद जब हम माउस को नीचे क्लिक करते हैं तो डीआई कहां चली जाती है? ऊपर चली जाती है। मतलब जो हमारे दिमाग में आया ग्राफ वो भी गायब। तो यही चीज आपको क्लास में सीखी। तो हमारा मानना, जैसे आपका प्रश्न था सर क्या मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं तो मैं क्या कर नहीं सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक क्लास को ज्वाइन करें।